नमस्कार मित्रों मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए व्याघ्रा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, मूलतः व्याघ्रा पुरुषों का स्तंभन दोष दूर करने के काम आता है। इसे उत्तेजना लाने वाली दवा माना जाता है। पुरुषों या महिलाओं को किसी भी कारण से शारीरिक संबंध में रुचि नहीं रह जाने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। कई महिलाओं में तनाव या किसी अन्य कारण से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं रह जाती है। ऐसे में फीमेल व्याघ्रा का उपयोग किया जाता है। व्याघ्रा के प्रभावों को जानने के लिए शोध अब भी जारी है। व्याघ्रा दिमाग पर असर डालती है, जिससे महिला या पुरुष को अपने साथी का स्पर्श अच्छा लगने लगता है। उन्हें अंदर से इच्छा होने लगती है और वे सिर्फ उसी दिशा में सोचने लगते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं व्याघ्रा के प्रयोग से होने वाले क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मित्रों, ज्यादा व्याघ्रा लेने से सुनने में भी समस्या हो सकती है। मित्रों, छोटी छोटी सेक्स समस्याओं से डरकर व्याघ्रा लेना शुरू न करें। जहां तक संभव हो इसे अपनी लत न बनने दें। मित्रों, व्याघ्रा लेने से पहले किसी डॉक्टर से यह सलाह लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कि क्या आपको वाकई व्याघ्रा की जरूरत है। मित्रों, ज्यादा व्याघ्रा लेने का असर आपकी आंखों पर भी पड़ सकता है। मित्रों, ज्यादा व्याघ्रा लेने से लीवर संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। मित्रों, व्याघ्रा के कारण सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। मित्रों, नियमित व्याघ्रा लेने से आपके चेहरे की चमक फीकी पड़ सकती है और असमय झुर्रियां भी पड़ सकती हैं। मित्रों, किसी अन्य दवा के साथ व्याघ्रा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अन्यथा ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। मित्रों, अगर व्याघ्रा के उपयोग से आपके स्तंभन की अवधि ज्यादा बढ़ गई हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, इससे पहले कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। मित्रों, अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी समस्या है तो व्याघ्रा लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मित्रों, लंबी अवधि तक व्याघ्रा लेने से सेक्स के दौरान चक्कर आना, सीने में दर्द आदि की समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मित्रों, व्याघ्रा के ज्यादा उपयोग से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, इससे आपको सूजन की समस्या भी हो सकती है। अतः सावधान रहें और इन मादक पदार्थों से जितना हो सके उतना दूर रहें। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।